दिनों गाजीपुर के गंगा किनारे ददरी घाट पर गुल्लू चौधरी नाम के मल्ला को लकड़ी की पेटी में एक नवजात बच्ची मिली। गुल्लू ने पेटी खोलकर देखा तो उसमें लाल चुनरी में लिपटी हुई नवजात के साथ माँ दुर्गा की फोटो भी थी। गुल्लू उसे अपने घर लाए और परिवार वालों को दिए, लेकिन सूचना पाकर कोतवाली पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। बच्ची को बचाने का संज्ञान सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी लिया और उस नवजात का सारा खर्च राज्य सरकार की तरफ से किए जाने की घोषणा कर दी। इस बात को जिलाधिकारी गाजीपुर और भाजपा की सदर विधायक संगीता बलवंत ने गुल्लू के घर जाकर कहा। गुल्लू चौधरी ने पूरा घटनाक्रम बताते हुए कहा कि उस नवजात को हम लोग पालेंगे और वो उनका पूरा परिवार उसे अपने लिए बहुत शुभ मान रहे हैं और शासन प्रशासन को दी जा रही सुविधाओं के लिए भी धन्यवाद दिया। विधायक जी, बेटियों को जो है माँ दुर्गा और तमाम तरह की उपाधि दी जाती है, लेकिन बेटियां अभिशाप हैं। ताजा मामला अभी गंगा में एक नवजात पूरा सजी धजी चुनरी में लपेटी हुई एक नवजात बच्ची मिली है, जिसको आप गुल्लू जी ने प्राप्त किया था। मुख्यमंत्री जी ने काफी सराहना किया, क्या कहेंगे, आप भी मौके पर मौजूद हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग अभी भी बेटियों को अभिशाप मान रहे हैं, लेकिन ये वो दौर भी है जब पूरी तरह से हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बेटियों पे के शिक्षा पे, उनके पालन पोषण पर जोर दे रही है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान प्रारंभ किया है। और आज उससे लोग प्रेरित होकर बेटियों को हेय दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। और अभी आपने ताज़ा मामला देखा कि गंगा की लहरों में एक मासूम को किसी ने एक डिब्बे में बंद करके फेंक दिया था, और एक गुल्लू चौधरी नाम के एक ऐसे व्यक्ति जिनको रहने के लिए उचित आवास नहीं है, जो झोपड़ी में रहते हैं, जो बहुत ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उस व्यक्ति ने उस बच्ची को बचाया ही नहीं, इस बात के लिए भी वो तैयार रहे कि इस बेटी का मैं पालन पोषण भी करूंगा, जबकि ये उनकी बिटिया नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं से इस बात का भी संदेश है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लोग बेटियों को बचा रहे हैं, उनके पढ़ाई के लिए, उनके जीवन यापन के लिए आगे आ रहे हैं। और इसी को आगे करने के लिए, इसी बात को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुल्लू मल्लाह जी को, गुल्लू चौधरी जी को बहुत सराहा, और केवल सराहना ही नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे नवयुवकों को जो बेटियों के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, वो अगर सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं तो उनको भी हम लाभान्वित करेंगे। और उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेशित किया है कि गुल्लू चौधरी जी को आवास मिलेगा। और यहाँ मैं इस दरवाजे तक आई और इस दरवाजे तक आने तक कोई रास्ता नहीं था, बहुत पहले एक पीपा के सहारे ये लोग आते थे, लेकिन समय के अनुसार वो पीपा को हटा देने से इन लोगों को दीवार फांद के आना पड़ रहा है। और शासन का आदेश है कि वो जल्द ही रास्ता भी बनेगा, इसके अलावा जो भी सरकारी सेवाएं हैं इनको मिलेंगी, लेकिन सरकारी सेवाओं के मिलने की तो बात अलग है। ये बहुत ही अच्छा संदेश है माननीय मुख्यमंत्री जी का और साथ ही गुल्लू जी का कि इन्होंने बेटियों को समाज में एक हक दिलाया है, मान सम्मान दिलाया है। और मैं कहना चाहूंगी उस माता और पिता से कि जहाँ पर एक गुल्लू चौधरी जैसे मल्ला ने एक बेटी को अपनी बेटी समझ के पालने के लिए तैयार हुए, वहीं वो माता पिता जिन्होंने अपनी कोख से जन्म दी हुई बेटी को गंगा के हवाले कर दिया, ये अत्यंत निंदनीय है और ऐसे लोगों की हम लोग निंदा करते हैं। गंगा को आपने पाया है जी, गंगा ने आपकी किस्मत बदल दी, क्या कहेंगे? गंगा को किस्मत हमारी बदल दी, गंगा माँ ने, हम गंगा को भी चाहते हैं अभी, है ना, लेकिन गंगा माँ हमको बदल दी। हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी हमारी जो हैं, सरकार हमारी, कि हमारे हमारे रास्ता बनवा दें, हमारा जो झोपड़ी है उसको मकान उकान बनवा दें, बस यही गुजारिश करेंगे हम कि हमारा रास्ता नैया तो हमारा मकान ये बन जाए। ये तो मतलब आपको डीएम साहब ने खुद आके कहा भी है? हाँ, डीएम साहब हमसे कहें। ऐसे में जो जिस तरीके से आपने गंगा में पाया है गंगा को जी, अन्य माँ बाप को क्या सीख देना चाहेंगे आप? हम सीख देना चाहेंगे कि जो ऐसा किया व्यक्ति उसको ये नहीं करना चाहिए था, कोई भी हो के ये अब न करे। आज विधायक जी भी आपसे मिले हैं, अच्छा क्या कहेंगे? हमसे भी यही कहेंगे, अभी आपके अच्छा, घर पे विधायक जी आए हैं, सदर विधायक जी आए हैं, क्या कहना है आपको? हमसे बहने से यही सम्मानित भी किया। हाँ हाँ, हमसे बहने से यही रिक्वेस्ट है कि बहनी हमारे दरवाजा चली आई, हमारे मान सम्मान की पूरा। हाँ, धन्यवाद।